गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ पीके सर, योर केमिस्ट्री सर, वेलकमिंग यू टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12th। और ये है आपका एनसीईआरटी केमिस्ट्री, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 का ये लेक्चर नंबर 3rd है। एक्चुअली अगर आपके सीबीएसई के अकॉर्डिंग हम बात करें, जो सीबीएसई का जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस फॉर दिस सेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो पार्ट है किसका, सिलेबस का। मीन्स ये पार्ट जो है वो सिलेबस का पार्ट है किसके लिए, नीट के लिए और जेई के लिए, नीट अवले के जेई, इनके लिए ये यूज़फुल है। लेकिन ये जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है, ये उनके लिए किसके लिए, सीबीएसई की जो बोर्ड की एग्ज़ाम्स होगी उनके लिए ये इसका यूज़ नहीं है, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज में हम क्या बात करते हैं, किस टाइप की बात करते हैं। हमने पहले देखा था एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस फ्रॉम सॉलिड सरफेस, एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस फ्रॉम सॉलिड सरफेस। लेकिन हमेशा ऐसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है वो सॉल्यूशंस में भी होता है, एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो सॉल्यूशंस में भी होता है। तो इससे पहले जो हमने मेटल का जो एडजॉर्प्शन देखा था, मेटल की सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस देखा था, और उससे पहले हमने एडजॉर्प्शन और उससे रिलेटेड कुछ बातें हमने डिस्कस की थी। तो जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी जो बातें हैं, उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इससे पहले हमने एक बात की थी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, और उसमें फ्रेंडलिच का आइसोथर्म इम्पोर्टेंट था, फ्रेंडलिच का आइसोथर्म। फ्रेंडलिच का जो आइसोथर्म जो था, उसके अंदर हमने एक एक्सप्रेशन या एक इक्वेशन की बात की थी। आइसोथर्म के अंदर हमने एक इक्वेशन की बात की थी, एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी पावर 1/n, ऐसा कुछ हमने पहले डिस्कस किया था। अगर हम इसकी एडवांटेज, इसकी जो डीमेरिट्स की बात करें, ये जो फ्रेंडलिच का इक्वेशन है, इसका अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, डीमेरिट्स की बात करें, कि किस कंडीशन में जाकर ये फेल हो जाता है, किस कंडीशन में जाके ये फेल हो जाता है, तो देखिए, अगर 1/n जो प्रेशर की जो पावर है 1/n, अगर इसकी वैल्यू 1/n की वैल्यू जीरो हो जाए, अब 1/n की वैल्यू जीरो कब हो सकती है, जब n की वैल्यू इन्फिनिटी हो, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, 1/n की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो क्या होगा, p की पावर जीरो, और जब किसी भी क्वांटिटी का पावर जीरो होता है तो उसका वैल्यू वन होता है। इट मीन्स इन दैट कंडीशन एक्स बाई एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k ओनली, ठीक है। यानी अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1/n की वैल्यू जब जीरो होती है, उस कंडीशन में जो एक्स बाई एम है वो कॉन्स्टेंट होगा, एक्स बाई एम क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि k क्या है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, k इज़ ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, एक्स बाई एम की वैल्यू जो है वो हम वन, एक्स बाई एम, वन बाई एन की वैल्यू जो है वो वन हो सकती है। वन कब होगी, जब n की वैल्यू यहाँ पर वन हो, n की वैल्यू वन हो, तो 1/n भी क्या होगा, वन होगा। और उस कंडीशन में एक्स बाई एम जो होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या बताया, k p और 1/n की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा के पी, करेक्ट। इस कंडीशन में क्या होगा, x बाई एम की वैल्यू, x बाई एम की वैल्यू p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर तो प्रेशर जो है, जिस गैस का एडजॉर्प्शन हो रहा है उस गैस का प्रेशर, तो यहाँ पर इस कंडीशन में तो क्या था, फर्स्ट केस में जो एडजॉर्प्शन जिस गैस का हो रहा है उसका जो वैल्यू है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बट इन दिस केस इट इज़ डिपेंडेंट, इट इज़ डिपेंडेंट। और रिलेशन भी कैसा है, एक्स बाई एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी के। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो सकता है क्या, कि क्या हम उस एडजॉर्बेट का प्रेशर इंक्रीज करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, और एडजॉर्प्शन का वैल्यू भी हमेशा होता जाएगा, होता जाएगा। लेकिन रियल में क्या ऐसा होता है, अगर आपको वो हमारा जो पुराना वाला ग्राफ याद हो, जो हमने एक ग्राफ पे प्लॉट किया था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि लास्ट में जाके ये जो वैल्यू है, ये जो प्लॉट है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। इसका मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पर सैचुरेशन आ जाता है। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, यहाँ पर सैचुरेशन आ जाता है। और जब सैचुरेशन की बात करते हैं, तो सैचुरेशन की कंडीशन में जो फ्रेंडलिच आइसोथर्म है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है।
तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि हाई टेम्परेचर सॉरी हाई प्रेशर पे किस क्या बताया हमने कि हाई प्रेशर पे जो एडजॉर्प्शन जो आइसोथर्म्स होते हैं ये सेचुरेशन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि हाई प्रेशर पर ये फेल हो जाता है, कौन? फ्रेंडलिच आइसोथर्म, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। तो अभी मैंने बताया आप लोगों को कि एडजॉर्प्शन जो है उसका जो प्रोसेस है ज़रूरी नहीं है कि वो किसी सॉलिड सरफेस पे ही होता हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जब एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो सॉल्यूशंस में भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एसिडिक एसिड को आपने वाटर में मिक्स कर दिया, मीन्स यू हैव ए सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर एंड देन व्हेन यू मिक्स चारकोल इन दिस केस इन दिस सॉल्यूशन देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज डिक्रीज्ड, ओके। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो एसिटिक एसिड है उसका एडजॉर्प्शन कर लिया गया है, किसके द्वारा? चारकोल के द्वारा, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है ये बताता है कि सॉल्यूशन के अंदर भी क्या हो सकता है, सॉल्यूशन के अंदर भी एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हो सकता है। इन द सेम वे जो फर्स्ट एग्जांपल तो हमारा क्या हो गया, CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड, और इसका साथ में आपने वाटर मिला रखा है इसको, और जब आप इसके अंदर आप चारकोल पुट कर देते हैं, जब इसको चारकोल में डाल देते हैं तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो क्या हो करती है, डिक्रीज़ कर जाती है। ये एग्जांपल हो गया सॉल्यूशन के अंदर एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज का, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए, जो लिटमस सॉल्यूशन होता है, लिटमस सॉल्यूशन के अंदर जब आप चारकोल मिक्स कर देते हैं, व्हेन यू मिक्स चारकोल इन ए लिटमस सॉल्यूशन देन इन दैट कंडीशन ऑल्सो यहाँ पर उसका जो लिटमस के अंदर जो पिगमेंट है, जो डाई है, उसका क्या हो जाता है, एडजॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। और एडजॉर्प्शन होने के बाद में क्या होता है, ये जो लिटमस सॉल्यूशन होता है ये कलरलेस हो जाता है, दिस बिकम्स कलरलेस। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जिसमें एडजॉर्प्शन सॉल्यूशन फेज में होता है, ठीक है। अब देखिए, ये जो सॉल्यूशन फेज में एडजॉर्प्शन होता है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है या इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, अगर हम इनकी बात करें तो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस एडजॉर्प्शन की बात करें तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा ये कहता है कि फिजिकल ये जो एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज जो होता है ये टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर आप टेम्परेचर को इनक्रीज कर दोगे तो एडजॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इनक्रीज किया आपने तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एडजॉर्प्शन डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये हो गया फर्स्ट फैक्टर जो कि टेम्परेचर एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है सॉल्यूशन फेज में उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। इसके बाद में हमने वहाँ पर देखा था फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में कि वहाँ पर दोनों ही तरफ से वहाँ पर जो सरफेस एरिया होता है वो पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, सरफेस एरिया जो होता है वो पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। मीन्स अगर आपने सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, इफ़ यू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट तो क्या होगा, उस कंडीशन में जो एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर कि अगर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज करोगे तो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस भी ज़्यादा होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडजॉर्प्शन, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को अगर आप इंक्रीज कर दोगे तो एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होगा, करेक्ट, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो सॉल्यूट का अवेलेबल होगा एडजॉर्प्शन के प्रोसेस के लिए, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो प्रॉपर्टी है जो हमने वहाँ पे देखी थी, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट की नेचर जो होती है, वो भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एडजॉर्बेंट, ठीक है। इनका जो नेचर है वो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है। नेचर किस सेंस में,
हो सकता है कि आपका जो एडजोर्बेंट है वो आयनिक नेचर का हो सकता है आपका एडजोर्बेंट जो है वो कोवेलेंट नेचर का हो, ठीक है। तो इसके हम बात एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है, ये हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे पास इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वो क्या है हमें अभी तक पता नहीं है, ठीक है। अगर ये फ्रेंडलिच का जो आइसोथर्म का जो इक्वेशन है अगर हम इस सॉल्यूशन फेज के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर सिंपल सा एक छोटा सा चेंज आ जाता है। वहाँ पर हमने प्रेशर लिया था, अब प्रेशर की जगह यहाँ पर सी आ जाता है और बाकी सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। तो प्रेशर इज़ रिप्लेस्ड बाई कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर इज रिप्लेस्ड बाई कॉन्सेंट्रेशन इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। तो ये आपको एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस दोनों में जो है उसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अब सेम वही कॉन्सेप्ट है बाकी सब, तो क्या अगर आप इसका लॉग लेते हैं तो लॉग लेने पर ये क्या बन जाएगा आपका, लॉग एक्स बाई एम दैट इज इक्वल टू लॉग के प्लस वन बाई एन लॉग सी। अगर आप लॉग सी और लॉग एक्स बाई एम के अंदर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो जो ग्राफ है वो उसी टाइप का ग्राफ मिलता है हमें जो हमने पहले ड्रॉ किया था, हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इससे अगर कंपेरिजन करोगे इसको जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के लिए जो ग्राफ बनता है उसके जैसा ही यहाँ पर ये ग्राफ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, उस पर्टिकुलर वैल्यू से ये ग्राफ स्टार्ट होगा और ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेप्ट। और इस इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी, लॉग के इक्वल होगी, लॉग के इक्वल होगी। और इसके लिए जो स्लोप होगा, इस प्लॉट के लिए जो स्लोप होगा वो 1 बाई एन के इक्वल होगा, ठीक है। एन और के क्या है यहाँ पर, वही एज यूजुअल जो हमने वहाँ पर देखा था, कांस्टेंट हैं, ठीक है। चलिए तो ये सब बातें हो गई हमारी इसके लिए। अब देखिए इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है एप्लीकेशन पार्ट, करेक्ट। 5.1.6 और वो क्या है, एप्लीकेशन पार्ट ऑफ एड्सॉर्प्शन, यानी एड्सॉर्प्शन का एप्लीकेशन हम डेली लाइफ में कहाँ करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हमें एड्सॉर्प्शन का जो रोल होता है इम्पोर्टेंट होता है और वो हमारे लिए यूज़फुल होता है डेली लाइफ में। सबसे पहला जो है वो है हाई क्वालिटी का वैक्यूम बनाना, हाई वैक्यूम बनाने के लिए हम एड्सॉर्प्शन करते हैं। देखिए एक सक्शन वैक्यूम पंप आता है जो क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर जो क्लोज प्लेस है, स्पेस है, उसका जो एयर होता है उसको वहाँ से वो खींच लेता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें और ज़्यादा हाई क्वालिटी का वैक्यूम चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पे जो जितना भी बारीक से बारीक क्वांटिटी जो है, फाइन क्वांटिटी ऑफ एयर जो प्रेजेंट है उसको वहाँ से रिलीज करना है, उसको वहाँ से निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम चारकोल का यूज़ करते हैं। जिस भी वेशल में या जिस भी चैम्बर में हमें हाई वैक्यूम बनाना होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर चारकोल का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि चारकोल जो होता है वो एयर का एड्सॉर्प्शन कर लेता है, ठीक है। चलिए ये तो क्या पहला यूज़। सेकेंड यूज़ देखिए इसका क्या होता है, जो गैस मास्क होते हैं, पहला तो हमने क्या देखा इसका यूज़ हाई वैक्यूम बनाने के लिए, सेकेंड जो है इसका यूज़ वो है गैस मास्क बनाने के लिए। अब ये गैस मास्क क्या होता है और इनका क्या यूज़ होता है, देखिए जो कॉल्स होता है, कोयला जिसको हम बोलते हैं, कॉल की जो माइंस होती है या और भी कोई जो माइंस होती है जहाँ पर कुछ डिगिंग का प्रोसेस होता है और उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स या ओर्स को हम निकालते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, बहुत ही डेप्थ में कुछ माइंस बनाई जाती है, माइंस होती है और वहाँ से उसका डिगिंग करते हैं, ठीक है। तो डिगिंग करने के लिए जो लोग अंदर की तरफ जाते हैं, अंडर द ग्राउंड जो लोग जाते हैं, तो सम टाइम इट हैपन्स दैट कुछ पॉइजनस गैसेज वहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। तो उन पॉइजनस गैसेज के की वजह से जो पर्टिकुलर जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और इवन दे मे लॉस्ट देयर लाइफ ऑल्सो। तो इसलिए क्या करते हैं, उनके माउथ के ऊपर जो है एक मास्क लगाया जाता है और उस मास्क के अंदर उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर चारकोल होता है और वो चारकोल क्या करता है, जितने भी जो पॉइजनस गैसेज अगर मान लीजिए आसपास में कोई निकलती है तो उन पॉइजनस गैसेज को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे ये फ़ायदा होता है, ठीक है।
इसके अलावा कुछ ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने वाले एडजॉर्बेंट होते हैं, जैसे सिलिका का जेल आता है, सिलिका जेल, एल्यूमिनियम जेल, ये सब क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह से जो ह्यूमिडिटी होती है उसको एडजॉर्ब कर लेते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, तो उनकी जो पैकिंग होती है उस पैकिंग के अंदर छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं और उन पैकेट्स के अंदर सिलिका जेल भरा हुआ होता है। ठीक है, ये जो सिलिका जेल होता है ये क्या करता है कि उस गैजेट के आसपास का जो एयर होता है, वैसे तो वो एयर प्रूफ होता है लेकिन फिर भी उसके अंदर हो सकता है कोई ह्यूमिडिटी आ जाए, तो उस ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है कि अगर उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कोई आयरन का बना हुआ कुछ कोई कंपोनेंट होगा तो उसमें रस्टिंग का प्रॉब्लम हो सकता है और उसका जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उसको हटाने के लिए, वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी होती है उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलिका जेल का या एलुमिना जेल जो होती है उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और मैंने एग्जांपल बताया था कि जो एनिमल चारकोल जो होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो मरे हुए डेड एनिमल्स होते हैं उनकी जो बोन्स होते हैं उनको बर्न किया जाता है और उससे जो ब्लैक कलर का जो चारकोल बनता है उस चारकोल का यूज़ करके जो कुछ जैसे शुगर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, शुगर जो होता है उसका ओरिजिनल कलर जो नेचुरल कलर बनता है वो येलोइश कलर होता है, तो उसको वाइट बनाने के लिए भी हम जो है चारकोल, एनिमल चारकोल का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक और यूज है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, तो ये तो एक अपने सेपरेट टॉपिक है तो इसकी बात हम बाद में करेंगे, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, देखिए इनर्ट गैसेस जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप नंबर 18 है, ग्रुप नंबर 18 जिसको हम नोबल एलिमेंट्स या नोबल गैसेस का ग्रुप भी बोलते हैं, तो उसके जो मेंबर्स होते हैं सिंस दे आर इनर्ट, इनर्ट इन द सेंस दे आर नॉट रिएक्टिव, वो रिएक्शन किसी से नहीं करते हैं, तो इसलिए उनका जो आइसोलेशन होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, बट विद द हेल्प ऑफ दिस एडजॉर्प्शन जो होता है इसकी हेल्प से हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पे चारकोल की हेल्प से उनका क्या करते हैं, हम सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एडजॉर्प्शन है इसका यूज़ करते हैं हम कुछ डिजीज़ है उनके क्योर करने में, क्योंकि जो ड्रग्स होती है कुछ मेडिसिंस होती है वो सब क्या करती है एडजॉर्प्शन की प्रोसेस से जो जर्म्स होता है उनकी बॉडी के ऊपर बैठ के और वहाँ से उनका जो इम्पोर्टेंट जो लिक्विड पार्ट होता है उसको शक कर लेती है, एडजॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। इसके बाद में देखिए एक नेक्स्ट आता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड जो होता है प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि जो एक्सट्रैक्शंस होता है मेटल्स का, तो जिन मेटल्स के अंदर सल्फाइड और अपने को एज ए और मिलता है उनके एक्सट्रैक्शन में ये मेथड यूज़ किया जाता है, इसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स होते हैं कुछ जो कि एडजॉर्प्शन का इंडिकेशन देते हैं हमें, और सबसे लास्ट में इम्पोर्टेंट है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। ये क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस जो है ये आप लोगों के प्रैक्टिकल्स में आपको इसके बारे में भी लर्न करना है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं 1.6 कैटालिसिस। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज कैटालिसिस। अब देखिए कैटालिसिस क्या है, कैटालिसिस का मीनिंग क्या है और इसका हमारे लिए यूज क्या है, तो ये सब बातें जो है आप लोगों को फिलहाल सीबीएसई बोर्ड के पर्पज़ से अगर आप देखें तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन जो आपका नीट और जेई का जो टॉपिक है, जो उसका सिलेबस है, उसके अंदर ये इम्पोर्टेंट पार्ट है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसलिए आपको इसके बारे में अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कैटलिस्ट से पहले आपको दूसरा जो एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट, उसके बारे में आपको लर्न करना है कि कैटलिस्ट क्या होता है। करेक्ट, एक एग्जांपल गिवन है आपकी बुक के अंदर और उसके अंदर पोटेशियम क्लोरेट जो है उसको हीट किया गया है। करेक्ट, पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया गया है। पोटेशियम क्लोराइड को जब हीट करते हैं तो ऑक्सीजन बनता है, ठीक है, और पोटेशियम क्लोराइड बनता है, पोटेशियम क्लोराइड बनता है और
पोटेशियम क्लोराइड के साथ ऑक्सीजन गैस बनता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को देखो तो इसके लिए जो टेम्परेचर का जो रेंज है वो है 873 केल्विन, यानी इस टेम्परेचर तक जाकर ऐसा काम होता है, और ये प्रोसेस जो है वो इतने टेम्परेचर पर भी बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस प्रोसेस के अंदर, ये जो प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर एक सब्सटेंस ऐड कर दें, और उस सब्सटेंस का नाम है MnO2, मैंगनीज डाई ऑक्साइड, मैंगनीज डाई ऑक्साइड, तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है इतना आसानी से हो जाएगा, इतना आसानी से हो जाएगा कि ये जो टेम्परेचर है ये काफ़ी कम हो जाएगा। काफ़ी कम का मतलब क्या, इतने टेम्परेचर पर ही ये इजीली कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये जो सब्सटेंस हमने जो ऐड किया है, ये ऐड करने वाला जो सब्सटेंस है ये क्या करता है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट के बारे में हम पहले देख चुके हैं, तो जो रिएक्शन का जो रेट होता है जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, उसको क्या करता है, एक्सेलरेट कर देता है, ठीक है। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ये जो सब्सटेंस है ये लास्ट में अनचेंज्ड रहता है। रिएक्शन जो है कंप्लीट होने के बाद में ये जो सब्सटेंस है ये लास्ट में अनचेंज्ड रहता है, ठीक है। तो ये जो सब्सटेंस है इसको ही हम बोलते हैं कैटलिस्ट, क्या बोलते हैं इसको, हम कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ओके, सो कैटलिस्ट की डेफिनेशन अगर हम बात करें, तो कैटलिस्ट का मीनिंग ये होता है कि कोई भी एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में उस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको चेंज कर देता है। आई एम सेइंग द वर्ड चेंज, जनरली यहाँ पर हम जब कैटलिस्ट की बात करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है ये, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल चेंज करने की, ठीक है। तो कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो किसी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है, और रिएक्शन के कंप्लीट होने पर खुद जो है लास्ट में, रिएक्शन के एंड में अनचेंज्ड रहता है। अनचेंज्ड का मीनिंग क्या है कि इसका जो मास है वो चेंज नहीं होगा। मान लीजिए आपने 1 ग्राम लिया किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में, जो इसका क्वांटिटी है वो 1 ग्राम लिया, तो लास्ट में भी आपको ये 1 ग्राम ही मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो उसका केमिकल फॉर्मूला जो है वो चेंज हो गया और अब ये कुछ ऐसा कुछ बन गया, ठीक है, ऐसा भी नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि इसका केमिकल बिहेवियर, यानी कि केमिकल नेचर, और इसका जो कम मास है वो सब क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कैटलिस्ट। और ये जो कैटलिस्ट है इसकी जो डिस्कवरी थी वो बर्जिलियस नाम के साइंटिस्ट ने की थी। कैटलिस्ट जो है वो डिस्कवर किसने किया था, बर्जिलियस नामक एक साइंटिस्ट ने, ठीक है। नाम इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, बर्जिलियस, ठीक है, बट जस्ट अगर नॉलेज के हिसाब से याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रोसेस होता है, ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करता है, तो ऐसे जो प्रोसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं कैटालिसिस, क्या बोलते हैं, ऐसा प्रोसेस जो है उसको हम क्या बोलेंगे, कैटालिसिस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 वर्ड और आते हैं, कैटलिस्ट के साथ ही 2 वर्ड और कनेक्टेड है, और इन वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रोमोटर एंड पॉइसन,
प्रोमोटर एंड पॉइसन। देखिए प्रोमोटर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पॉइसन का मीनिंग क्या होता है। अगर कोई सब्सटेंस एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे, अगर कोई सब्सटेंस किसी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोमोटर बोलते हैं। ठीक है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे, ओके, दैट इज़ कॉल्ड पॉइसन। ठीक है, अब इन तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एक प्रोसेस होता है हैबर प्रोसेस, और ये हैबर प्रोसेस जो है वो अमोनिया के फॉर्मेशन का, अमोनिया के प्रोडक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का जो इंडस्ट्रियल मेथड होता है उसका नाम है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो कि गैसेस फॉर्म में है, हाइड्रोजन जो कि गैसेस फॉर्म में है, उनकी रिएक्शन करवाते हैं हम। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होता है ये आयरन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, आयरन की प्रेजेंस में होता है, और यहाँ पर जो बनने वाला जो सब्सटेंस है जिसको हम अमोनिया बोलते हैं, ये जो अमोनिया सब्सटेंस है ये भी क्या है, एक गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर ये जो आयरन होता है, ये आयरन यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, आयरन तो क्या है, यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करता है। और एक और सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं मॉलिब्डेनम, तो ये जो मॉलिब्डेनम होता है ये यहाँ पर प्रोमोटर का काम करता है। ठीक है, मॉलिब्डेनम जो है यहाँ पर क्या करता है, प्रोमोटर का काम करता है, यानी कि ये क्या करता है, उस आयरन की जो एक्टिविटी होती है, उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने की जो कैपेसिटी होती है उसको ये क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, ध्यान रखना कैटलिस्ट जो है एक स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, यानी कि कैटलिस्ट का जो मीनिंग है वो रेट को चेंज करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोमोटर जो है वो स्पेसिफिक वर्ड है, पॉइजन जो है वो एक स्पेसिफिक वर्ड है। प्रोमोटर एक ऐसा केमिकल होगा जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, करेक्ट, और पॉइसन एक ऐसा केमिकल होगा जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कैटलिस्ट के, कैटालिसिस के टाइप्स। तो जब हम कैटलिसिस के टाइप्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर दो टाइप्स मिलेंगे, होमोजीनियस कैटालिसिस, एंड द सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, अब इनका मीनिंग क्या होता है इसको देखते हैं पहले। होमो का मतलब होता है यूनिफॉर्म, एक जैसे। ठीक है, तो सिंपल सा मीनिंग ये है होमोजीनियस कैटालिसिस का कि अगर किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट बोल सकते हैं इसको हम, अगर इन सब का फिजिकल स्टेट सेम हो, कैटलिस्ट और ऑल रिएक्टेंट्स इनका अगर फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम हो, तब तो हम उसको बोलेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, और हेट्रोजीनियस में क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि जो आपके रिएक्टेंट्स हैं और जो कैटलिस्ट हैं उनका फिजिकल स्टेट, का मतलब क्या, सॉलिड लिक्विड गैस, तो उसकी कंडीशन में उसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, अब इसके अंदर आपकी बुक के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स गिवन है, और सभी एग्जांपल्स इम्पोर्टेंट है। जैसे उसमें सबसे पहला एग्जांपल जो है वो है लेड चैम्बर प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में काम आता है, लेड चैम्बर प्रोसेस। ये क्वेश्चन नीट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना, जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं, और सारे के सारे एग्जांपल क्वेश्चंस के फॉर्म में एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो लेड चैम्बर प्रोसेस के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दो तरीके से पूछा गया है, कैसे, पहला क्वेश्चन था कि लेड चैम्बर प्रोसेस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, चार ऑप्शंस, और सेकंड क्वेश्चन कैसा था कि द मेथड विच इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़,
तो यहाँ पर आपको आंसर लिखना था लेड चैम्बर प्रोसेस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, सल्फ्यूरिक सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस बनता है, उसका जब आप वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पर क्या बनता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड से आपका H2SO4 बन जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर एक रिएक्टेंट, एक रिएजेंट यूज़ करते हैं, उस रिएजेंट को हम कैटलिस्ट बोलते हैं और वो होता है NO। NO इस नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसके अलावा आपकी बुक के अंदर एक और एग्जांपल दिया हुआ है, हाइड्रोक्सी हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, और इसका जो हाइड्रोलाइसिस हम करते हैं वो किसी एसिड की प्रेजेंस में करते हैं। तो यहाँ पर ये जो एसिड होता है ये क्या करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। करेक्ट, क्यों, क्योंकि ये होमोजेनियस के एग्जांपल्स हैं, तो इसमें रिएक्टेंट की जो फिजिकल स्टेट है और कैटलिस्ट की जो फिजिकल स्टेट है वो सेम रहती है, दोनों का फिजिकल स्टेट सेम होता है, लिक्विड लिक्विड होती है इसलिए। नेक्स्ट आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुगर, जिसमें भी एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन भी एसिडिक मीडियम में होती है, जहाँ पर H2SO4 का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, जो आपका सुगर होता है C12H22O11, उसका गैसेस एक्वस स्टेट होता है, वाटर का भी लिक्विड स्टेट होता है, उसका भी लिक्विड स्टेट, दैट इज़ वाई इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस कैटालिसिस। इसके बाद में आता है नेक्स्ट हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, जिसके अंदर जो आपके रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट है उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो सेम नहीं होगी, वो सेम नहीं होगी। तो उसमें आपको देख सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड का जो कन्वर्जन है सल्फर ट्राईऑक्साइड में, वो प्लेटिनम की प्रेजेंस में होता है। क्यों, क्योंकि प्लेटिनम जो है यहाँ पर एक कैटलिस्ट का काम करता है और उसकी सरफेस पे ये सारा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर प्लेटिनम सॉलिड स्टेट में है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड ये सब क्या है, गैसेस स्टेट में है, दैट इज़ वाई इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो अगर हेबर प्रोसेस की, इस हेबर प्रोसेस में भी आप देख सकते हैं कि ये जो रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट तो गैसेस स्टेट में है लेकिन जो हमारा आयरन है वो सॉलिड स्टेट में है, यानी कि हेबर प्रोसेस भी क्या है, एक हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद में आता है नेक्स्ट ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस के लिए भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, नीट के अंदर और जेई में दोनों पूछा हुआ है कि ओस्टवाल्ड जो प्रोसेस होता है वो कौन से एसिड के फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो याद रखना है ओस्टवाल्ड प्रोसेस इज़ यूज़फुल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसमें भी नाइट्रिक एसिड का जो ये प्रोसेस है, इसमें भी ओस्टवाल्ड प्रोसेस में भी प्लेटिनम का यूज़ होता है एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, इसके बाद में आता है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, और ये सब जो होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, निकिल की प्रेजेंस में होता है। तो निकिल जो होता है वो भी एक सॉलिड सब्सटेंस है, फिजिकल स्टेट उसका सॉलिड है। हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराई जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे C2H4, ये क्या है, इथीन है, इसके रिएक्शन जब आप हाइड्रोजन के साथ कराते हो तो C2H6 बनता है, यानी कि ये हाइड्रोजिनेशन का जो प्रोसेस होता है ये निकिल मेटल की प्रेजेंस में होता है। ये गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, लेकिन निकिल जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन है जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद की जो बातें हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप रिवाइजिंग ऑल द थिंग्स, नॉट ओनली फॉर बोर्ड पर्पस, CBSE बोर्ड पर्पस, और CBSE बोर्ड इज़ नॉट ओनली योर द लास्ट टारगेट, ओके, द लिमिट जो है वो हमें नहीं रखना है, हमारा पर्पस, हमारा जो एम है, एम जो है वो क्या है, ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। ठीक है, तो उस लेवल तक हमें तैयारी करनी है, उस लेवल के अकॉर्डिंग हमें सोचना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।